हमारा नाम सुनील पांडे है, हमारा जांचकर्ता अधिकारी रवि पांडे है। ये हमारी टीम मुंबई महाराष्ट्र से जारी आई। हमारी गुजरात की कंपनी है उंजा की, वो हमारा मुर्गा ब्रांड का जीरा प्रोडक्ट आता है, उसका यहाँ पर डुप्लीकेसी हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा था। कहाँ पे हो रहा है ये? अपना बाज़ार है एम बाज़ार के सामने, जो काला भागा बाज़ार है परपेटा रोड पे, वहाँ पर बाज़ार में वो एक रूही शाह करके शॉप का ऑनर शॉप का है, उधर पे हमारा डुप्लीकेट ही हो रहा था। तो उनकी शॉप में से हम लोग ने रेड किए वहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ में, तो वहाँ पर हमारे को उनका 18 किलो का जीरा हमको पैकेट मिला है, 18 पैकेट मिला है। बाकी दूसरा जगह गोडाउन में कुछ मिला नहीं, जो उनको मिला वो हम यहाँ पर लेके आए हैं और उस बिना पर यहाँ पर हम लोग अभी केस दर्ज करवाए हैं यहाँ जी। तो अभी हमारे को इन्फॉर्मेशन हमारी कंपनी को मिली थी, कंपनी ने हमको यहाँ पर भेजा और कंपनी के हिसाब से फिर हम आए यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा छानबीन करने के बाद फिर हमने उनके ऊपर, वो डुप्लीकेट बनाता है बरपेटा रोड पे, अभी वो लोग कहीं से पैकिंग करवाते हैं या पैकिंग करते हैं या कहाँ से उनका पूरा रैकेट है, ये सब चीज़ के लिए भी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू है, जो हमने आगे के ऑफिसर लोग को भी बोल दिए हैं कि आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, हमारी कंपनी भी इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके ऊपर, और आगे का जैसा जो भी हमको आगे का लीड मिलेगा फिर उसके ऊपर और भी आगे का कार्रवाई होगा। यहाँ पर बहुत लोग साथ में और सम्मिलित हैं, तो उन पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे आगे। तो अभी जहाँ तक हमको अभी मालूम पड़ा है, तो हमने अभी एक जगह पर इनको किया है जो मुर्गा करके बना रहा था ब्रांड, तो अभी लोग मुर्गा नाम क्या, मुर्गा जीरा स्पाइसी से हमारा जो पकड़ा गया है, उनका रूही शाह करके है, शॉप का नाम है रूही शाह। हाँ, जीरा खाने से तो हेल्थ का भी खराब होगा, हेल्थ फूड प्रोडक्ट है वो, हेल्थ को तो नुकसान होगा ही, डुप्लीकेट है तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें एसेंस रहेगा थोड़ा बहुत, जो हेल्थ को नुकसान करे, क्योंकि वो डेली नीड वाला चीज़ है और फूड स्पाइसेस में आता है, तो उसमें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो इसके लिए हमने पुलिस को सहयोग किया और पुलिस के पास आए बरपेटा रोड थाना में, थाना के SHO साहब ने हमारे को बहुत अच्छा सहयोग किया और उन्होंने उनके सपोर्ट से हमने उनको किसी को अरेस्ट किया, हाँ उनको लेके यहाँ पर हम लोग आए। अभी हम लोग FIR दर्ज हो रहा है, अभी रजिस्टर्ड हो रहा है। अरेस्ट किया ना, बताया ना आपको मैंने नाम उनका, रूही शाह करके यहाँ बंद है, उनको लेके आए यहाँ पर, उनका शॉप था यहाँ पर। तो अभी पुलिस ने हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, बरपेटा रोड का थाना ने हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और सारा चीज़ कोऑपरेशन किया है हमको, और हमने बढ़िया से उनको यहाँ पर लेके आया। अभी हमने केस भी दर्ज हमारा हो रहा है यहाँ पर। আছিলে ইয়াতে ৰবি পাণ্ডে বুলি মানুহ এজনে কমপ্লেইন এটা দিছিলে যে মুৰ্গা ব্ৰেণ্ড যিটো জিৰা আছে সেই জিৰাটো মানে কিবা ডুপ্লিকেট কৰা বুলি ৰোহিত দাস চাহা নামৰ মানুহ এজনৰ ওপৰত কমপ্লেইন এটা আছিলে। ৰোহিত দাস চাহা তেখেত বৰপেটা ৰোডৰে হয় 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ। তো তেখেতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মানে এইবিলাক কপিৰাইট ট্ৰেডমাৰ্ক এইবিলাক ভায়'লেশ্যন কৰি মানে মানুহ ঠগি আৰু মুৰ্গা লাল ব্ৰেণ্ড বুলি এটা নতুনকৈ ব্ৰেণ্ড এটা খুলি পেলাই মানে তেখেতে বিক্ৰী কৰি আছিলে। আৰু একচুৱেল তাৰ ব্ৰেণ্ডটো এখেতৰ মতে কোম্পানীটোৰ মতে মুৰ্গা ব্ৰেণ্ড হয়, তাতে লাল শব্দটো লগাই কৰা বুলি কৈছে আৰু তাৰ ফলত তেখেতে হ'লে এটা কপিৰাইট ট্ৰেডমাৰ্ক এইবিলাক বস্তু ভায়'লেশ্যন হ'ব বুলি FIR এটা দিছে আৰু সেইমতে আমি বৰপেটাৰ প্ৰেচিডেণ্ট এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ, কেছ নম্বৰ 139/2022 আৰু কেছটো এতিয়া আণ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে। হয়, দোকানত অলপ কিছু পেকেট পাইছোঁ আমি মুৰ্গা লাল ব্ৰেণ্ড বুলি লিখাটো, আৰু কমপ্লেইনটোৰ পৰা যিটো চিজ কৰা আছে সেইটো মুৰ্গা ব্ৰেণ্ড বুলি আছে, গতিকে অলপ ডিফাৰেণ্ট এটা মানে পাইছোঁ আৰু ডিফাৰেণ্টটো আছে আৰু এইটো বুলি পেলাই কেছটো অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আণ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন, আৰু বেছি ক'ব দিগদাৰ হৈছে আৰু। তেখেতৰ নাম ৰোহিত দাস চাহা।